एनएसआर के प्लेयर का बहुत शानदार हेलमेट को पिक ऑफ करने के लिए मैक्स काश ने वहां पे ये लाके D77777 को 7 ऑल कर दिया गाइस। क्या शानदार उन्होंने कार बस में उनको पिक ऑफ किया है। उम्मीद करते हैं ये स्टार्ट होगा अ रन ऑफ एंडलेस किल्स फॉर जीएक्सआर। यहां पे येला वर्सेस आई थिंक येला की आरटीजी से फाइट हो रही है एंड थोड़ा सा यस येला और आरटीजी का फाइट थोड़ा क्लोज रह रहे हैं। अल्फा के प्लेयर भी पीछे से पुशिंग कर रहे हैं। यहां पे इट्स अ थ्री वे फाइट जिसमें जीएक्सआर के पास कंपाउंड है। दे शुड एबल बी एबल टू कन्वर्ट दिस एडवांटेज इन टू किल्स। यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो आई थिंक एमजे को थोड़ा सा और डीप इन साइड द सर्कल मूव इन करना चाहिए। मीन वाइल शातोर गेम में आती अल्फा लेजेंड्स का गेम ही बदल गया। अनादर ग्रेनेड नॉक अगेंस्ट येला के बंदर एंड पिक किया उनको। अब यहाँ पे मैक्स का स्पीक लेने की तो कोशिश कर रहे हैं बट कुछ ज्यादा इनको यहाँ पे दिख नहीं रहा, कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहे। ऑल्सो अगर आप मैप देखो जीएक्सआर डज हैव द ऑप्शन टू मूव टुवर्ड्स देयर राइट। अगर करते हैं देन आई थिंक उनके पास एक अच्छा जोन बन सकता है। बट यहाँ पे वी सी देम कमिंग आउट इन द ओपन ओवेस। वहां पे स्पॉट करते हैं येला के जमास को, स्प्रे लेने की कोशिश पर डैमेज होते हैं इंस्टेड, तो थोड़ा सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बट जोन की अगर आप बात करें रोड की दोनों साइड अभी भी गेम में रहेगी। गैलेक्सी रेसर्स को ज्यादा अब आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ा। मीनवाइल मैक्स कश का ग्रेनेड जाता है और जमास को वो नॉक डाउन करेंगे। क्लोज इन करने की कोशिश जरूर रहेगी येला के स्क्वाड को पूरा फिनिश करो, बट पीछे से अल्फा भी क्लोज इन करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो किल जो है वो स्टील होगा? यस, किल स्टीलिंग वहां पे देखने को मिली है। अल्फा की शातूर जो है वो उन्होंने किल स्टील कर लिया है अपनी अपने लिए और अपनी टीम के लिए भी। बढ़िया मैक्स कश का जो किल था वो अब उनके हाथ नहीं लगा, सो इट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम ऑल्सो। बट अब देखते किस तरीके से अल्ट्रा उन्होंने कवर फायर देते, बट मैक्स कश यहाँ पे प्रीफर देते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड पे टीम है। अल्फा का क्या उन्हें अकाउंटेबिलिटी है? यस, वहाँ पे अभी ओवेज ट्राई करेंगे ग्रेट फेंकने की, वहाँ पे कंपाउंड के अंदर है शातूर एंड एग्जैक्टली आखिरी में उन्होंने वो ट्रेजेक्ट्री चेंज करे। वहां पे शातूर को डैमेज जरूर पड़ा है, 10 HP जरूर बचा। वापस से एक और रिबाउंड ग्रेनेड, क्या ओवेस वहां पे वो एक नॉक इनिशियल नॉक निकाल सकते हैं? यस द आंसर इज यस ओवर द किल फील्ड। आप देख सकते हो शातूर को वहां पे नॉक डाउन करा एंड बैक टू रिको। वहां पे अगर हम देखें तो क्यूटल वहां पे नॉक डाउन होते हैं नजर आ रहे विद अनदर ग्रेनेड। और होडी की बात करें तो साइड्स को उन्होंने जो फोबिया है उनके उन्होंने नॉक डाउन कर दिया। बट अब देखते हैं चारों प्लेयर गैलेक्सी रेसर्स के जिंदा है अभी भी, बट जोन अभी भी उनको पीछे से प्रेशर डाल रहे हैं कि आप वहां से निकलिए। बट पहले की अगर हम बात करें अल्फा के प्लेयर्स को थोड़ी सी दिक्कतें देते हुए नजर आ रहे हैं। बट गैलेक्सी रेसर्स के अल्ट्रॉन निकाल चुके हैं रेजर को, साइड्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है राइट एंड यहाँ पे येला के पावरफुल के बिल्कुल मुंह पे जीएक्सआर की पूरी स्क्वाड पुश करते हैं। वो नेट बहुत ही प्यारा था बट वो बच गया। जीएक्सआर ने बहुत बेहतरीन तरीके से अल्फा को नॉक किया और कितना प्यारा स्मोक वॉल बना के वो जोन के अंदर आए। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जैसा हम उनको देखना चाहते थे वैसे सिंक में लग रहे हैं। चारों प्लेयर फुट टू फुट मूव कर रहे हैं। तीन ही टीम है केतन जो यहाँ पे चार मैन के साथ अलाइव है एंड आई एम ग्लैड कि जीएक्सआर इज वन ऑफ देम। यहाँ पे हो सकता है हमें एक अच्छा गेम कमबैक देखने को मिले। 12 टीम 30 प्लेयर अभी भी यहाँ पे जुड़े हमारे साथ। गन्स की टीम की अगर बात करें थोड़ा ट्रबल में है, टू मैन ही सर्वाइव करे। यहाँ पे मैक्स काश थोड़ा स्प्रेस लेके आई थिंक उन्होंने किसी को स्पॉट किया होगा पर वहां पे एग्जैक्ट एम नहीं लगा पाए। वहां पे एनएसआर का स्क्वाड उन्हें रोकेगा बट एनएसआर के प्लेयर जरूर हर जगह से घिरे हुए हैं और उनको थोड़ा सा थ्रेट रहेगा अगर दो टीम इकट्ठी है। बट आरटीजी का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है। एसके टन ने वहां पे अल्ट्रॉन को नॉकडाउन कर दिया। आप इसी चीज की बात कर रहे थे, वो लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवेस को भी वहां पे मीनवाइल नॉकडाउन कर दिया गया। फेट के प्लेयर जो जोन के बाहर थे जैसे ले वो भी थोड़े से दिक्कत में नजर आ रहे हैं और प्ले जोन से वहां पे जरूर मरे थे। अब देखते हैं किस तरीके से फिनिश होंगे। बाकी किल सीलिंग भी जरूर यहाँ पे चल रही है, कुछ प्लेयर्स नॉकडाउन है जोन के बाहर है। बट रीफ की अगर हम बात करें आई थिंक उनको भी जल्दी ही मूव करना पड़ेगा जोन के अंदर। बट मैक्स कश की बात कर रहे हैं वहां पे उन्होंने हॉट लाइन के आखिरी प्लेयर मेम्बे को पूरा फिनिश कर दिया है, सो एक किल उनके नाम भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अल्ट्रॉन ने वहां पे थोड़ी सी ऑफ गार्ड पोजिशन पकड़ी और वहां पे वो भी पिक ऑफ हो चुके हैं। सो मैक्स कश इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर देम। अब उन्हें रिवाइव तो देना ही पड़ेगा जरूर। अल्फा लेजेंड्स भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। सो टॉप 6 टीम्स हमारे स्क्रीन के सामने नजर आ रही है। यहाँ पे फेट के आखिरी जो एक प्लेयर ओपन में थे वो फिनिश होता नजर आ, बट रीफ हील बैटल कर रहे हैं वहां पे। उनको पता है कि उससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। हील बैटल
के ऑप्शंस वो ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल चुका है। देखते कितने फर्स्ट एड्स हैं उनके पास, बट गैलेक्सी रेसर्स के जो मैक्स कैश है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली वहां पे कोई उन्हें स्पॉट नहीं करा। क्या एक नियर बाय कवर की तरफ वो मूव कर पाएंगे कि नहीं? 8 किल्स ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं, बट इसी के साथ फेड ई स्पोर्ट्स का जो खात्मा जो इस वाले मैच में था उनका हो चुका है। सो टॉप 4 टीम्स तक हमारे पास बचे हुए हैं। गैलेक्सी रेसर्स के मैक्स कैश समहाउ ही इज सर्वाइविंग ऑन द एज विद 5 किल्स फॉर हिमसेल्फ, और बाकी ओवरऑल टीम किल्स की बात करें तो 8 किल्स उनकी टीम के पास है। राइट, बहुत ही शानदार गेम मैक्स का तरफ से, डायनेमिक गेम प्ले, 4D गेम प्ले हम बोल सकते हैं जो हमें देखने को मिला। क्या फास्ट रिफ्लेक्सेस, पीक लेते गए, टीममेट्स को किल करते रहे, पर अभी वो थोड़े टाइट स्पॉट में, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू अ 1v3 अगेंस्ट रात, बिकॉज रात का पूरा फोकस इसमें है। ऑल ही नीड्स टू डू इज, ये उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि रात पे कोई और पुश कर जाए एंड इनको डायरेक्टली उनसे एंगेज ना करना पड़े, बिकॉज अगर 3 लोग पीक लेते हैं देन डेफिनेटली उनके लिए डिफिकल्टी हो सकता है। एंड ही इज बीइंग टारगेटेड राइट एंड लेफ्ट, ही गोज अगेंस्ट सादत, एंड सादत भी यहां पे उन पे पुश करते हैं 1v3, नॉट टू मच ऑन एचपी बट ही प्लेज इट स्मार्ट, यहां पे किल कंफर्म करते हैं अपने टीम के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द हिल, बट नो, बट वेल प्लेड मैक्स कैश, ओपी गेम प्ले अपने तरफ से दिखाते हुए।